आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी व्यक्ति के शरीर का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर इसका मान कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या बोला है, कोई एक व्यक्ति है, ठीक, उसके शरीर का तापमान यहाँ दे दिया है। किस में दे दिया है? फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो यहाँ एफ अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में लेते हैं, ठीक है, ये दिया है 98.4 डिग्री, ठीक है। अब इसको बोला है सेल्सियस पैमाने पर इसका मान कितना होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। सेल्सियस पैमाने सी मान लेते हैं सेल्सियस को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके लिए हमको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच जो संबंध होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा संबंध क्या होता है इसके लिए, होता है एफ ऋण 32/9 बराबर सी बटा 5, यही संबंध होता है दोस्तों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। तो यहाँ मान को रख देते हैं, ठीक है, एफ के जगह 98.4 रख देते हैं, यहाँ 32 है और ये 9, ठीक है, सी बटा 5। अब देखिए इसको हल करना है, तो 98.4 में 32 घटाना है हमको, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 8 में से 2 गया तो 6 आ जाएगा, ठीक है, और ये 66.4 इतनी आएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये देखिए, ये 9 हो गया इधर और ये सी बटा 5। अब इसको देखिए तिर्यक गुणा कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो 5 ये गुणा कर देते हैं दोस्तों, तो 5 चौक 20, ठीक है, 2 आया, 6 पंचे 30 और 32, 3 आया, 6 पंचे 30 और ये 33, ठीक है, या एक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 5 से गुणा होने के बाद ये सब मिला और 9 नीचे में रहेगा और सी इधर रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको भाग दे देते हैं इससे, तो कितना जाएगा दोस्तों, 9 एकम 9, 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36, तो 9 3 27 में ये जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पास, 6 बच जाएगा, ठीक है, 6 बचेगा, तो ये 62 हो गया, तो 9 7 63 होता है, तो 9 56 54 में जाएगा, कितना जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये फिर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो वो 80 हो जाएगा, तो फिर वो कितना जाएगा, 9 7 63 9 8 72 9 81 9 8 72, ठीक है, फिर 8 आएगा, फिर वही 80, तो ये देखिए इस तरीके से ये आते जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, सी का मान हमको कितना मिला, 36.88 डिग्री डिग्री में मिला, ठीक है। और इसको अगर हम लोग इसको किसके बराबर मान सकते हैं दोस्तों, 0.8 है तो 36.8 है ना, इसको 37 डिग्री मान लेते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, है ना। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये जो लगभग मान हमको मिला सी, सेल्सियस में हमने परिवर्तित कर दिया, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।